गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5 हिंदी 2। बच्चों, हम हिंदी 2 में पाठ पढ़ रहे थे बड़े भाई साहब, पाठ 3। ठीक है, इसका पेज 21 मैंने एक्सप्लेन कर दिया था और पेज 22 हमें शुरू करना था। ठीक है, इसमें क्या था, दो भाइयों की कहानी थी जिसमें बड़ा भाई हर वक्त पढ़ने में अपना समय बिताता था और छोटा भाई खेल कूद में अपना समय बिताता था और पढ़ाई बहुत कम करता था। ठीक है, बस उनकी यही कहानी थी। अब आगे देखते हैं कि क्या है। पेज 22 ऊपर से देखेंगे। उनका पहला सवाल यह होता, कहाँ थे? जब वो खेल के आता तो उस बड़ा भाई का पहला सवाल होता था कि तुम कहाँ थे। हमेशा यही सवाल तथा ऐसी ही ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था कि इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। मतलब जब भी उसके बड़े भाई जब भी ऐसा सवाल उस स्वर में करते थे तो वो हमेशा चुप रह जाता था, मौन रह जाता था। ना जाने मेरे मुंह से क्या यह बात क्यों ना निकलती कि ज़रा बाहर खेल रहा था। मतलब वो सच्चाई कभी नहीं बता पाता था कि मैं थोड़ा सा बाहर खेल रहा था। वो चुप हो जाता था, मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है। और जब आप किसी भी बात का जवाब नहीं देते हैं, बताते नहीं हैं कि आप कहाँ थे, आप चुप होकर खड़े हो गए, तो इसका मतलब आपने गलती की है। आपको जो हम कह रहे हैं आपको वो अपनी गलती स्वीकार है। और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज ना था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार करें। ठीक है, और उनके भाई साहब के पास क्या होता जब वो इस तरीके से जवाब देता था, तो क्या होगा इस सवाल पे वो उसको गुस्सा करेगा और उसको बताएगा कि तुमने ये गलती की है, और क्रोध भी करेगा कि तुमने ऐसा क्यों किया है। क्रोध के शब्दों से उसका सत्कार करता था। मैं उनकी डांट सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था, और वो डांट सुनकर आंसू बहाने लगता। डांट सुनी और रोना शुरू हो गया। और क्या कर सकता था, अपराध तो मैंने किया था, डांट कौन सहे। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, और वो जब रोता था तो उसके भाई क्या करते थे, वो उसे उपदेश देते थे, उसे अच्छी अच्छी बातें बताते थे कि जो तुम गलती करते हो उसे मत किया करो। मुझे तो चक्कर आ जाता था, लेकिन घंटे दो घंटे के बाद निराशा के बादल छट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। और जब आपको कोई समझाता है तो आपको लगता है ना कि हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। ठीक है, और आपके मन में दृढ़ निश्चय आप कर लेते हो कि हाँ जो ये बड़ा भाई कह रहा है, जो भी कोई कुछ कह रहा है, तो मैं वैसा ही करूँगा। अब जैसे वो पढ़ता नहीं था तो उसके मन में इरादा कर लेता था जब उनकी बातें सुनता था कि मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगा। और झटपट बने एक टाइम टेबल में खेल कूद का कार्यक्रम बिल्कुल नहीं रहता। और उसी टाइम आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, उसी टाइम क्या होता है, हम एक टाइम टेबल बना लेते हैं कि हम इस तरीके से उठेंगे, ऐसा करेंगे। जब आपके मन में एक उत्साह होता है कि नहीं मुझे ये गलत कर रहा हूँ, मैं ऐसा करूँगा, तो प्रातःकाल उठना, 6 बजे मुँह हाथ धोना, नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक गणित, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल, 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कॉम्पोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। मतलब उसने इतना बड़ा टाइम टेबल बना लिया कि इतने बजे उठूंगा, ऐसे करूंगा। सारा दिन की उसने टाइम अपना पढ़ाई में ही अपना व्यतीत करने का एक टाइम टेबल बना दिया। मगर क्या ऐसा हो पाता है? ऐसा नहीं हो पाता। हम भी अगर ऐसा अपना लिए टाइम टेबल बनाते हैं तो टाइम टेबल बनाने में और उस पर अमल करने में बहुत फ़र्क है। उत्साह में टाइम टेबल तो बन जाता है, मगर उस पर वो किया नहीं जाता उस तरीके से। टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। बिल्कुल सही बात है, ये बनाना एक अलग बात है, मगर उस पर अमल करना बहुत अलग है। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती है, मतलब उस टाइम टेबल में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दांत घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती,
मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। क्या होता, टाइम टेबल बना, मगर जैसे ही मैदान की खुशबू आने लगी, बच्चे खेलते कूदते नज़र आने लगे, तो फिर टाइम टेबल सारा चेंज होता जाता। और वो क्या करता, सब कुछ टाइम टेबल भूल जाते, एक साइड हो जाता है और वह जानलेवा टाइम टेबल, आँख फोड़ पुस्तकें, किसी की याद नहीं रहती, कुछ भी याद नहीं रहता, और वो खेलने चले जाता और भाई साहब को नसीहत और डांटने का अवसर मिल जाता। फिर वो खेलने गया तो फिर क्या होगा, भाई साहब फिर डांटेंगे, फिर उन्हें अवसर मिल गया। मैं उनके साये से भागता, उनकी आँखों से दूर रहने की चेष्टा करता। अब वो क्या, अगर आप गलती करोगे तो उनसे दूर भागने की कोशिश करोगे, कमरे में इस तरह दबे पाँव आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। उनकी जैसे नज़र उसकी तरफ उठी और उसके एकदम से डर लग गया, प्राण निकले मतलब एकदम से धक्का लगा। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मतलब उसे ऐसा लगता था कि हर समय मेरे सिर पर तलवार लटक रही है, मगर वो उस तलवार को लटकती है, हमें परेशानियां भी दिख रही हैं, मगर फिर भी जो माया का बंधन, मोह किस चीज़ का, खेल के लिए मोह जो है उस बंधन में वो जकड़ा रहता। मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेलकूद का तिरस्कार न कर सका। वो हर समय उससे डांट पड़ती, फटकार पड़ती, समझाया भी जाता, मगर वो फिर भी अपने ज़िंदगी से खेलकूद को नहीं निकाल सका। वार्षिक परीक्षा हुई, अब यहाँ तक तो ये हुआ, अब क्या है वार्षिक परीक्षा मीन्स एनुअल एग्ज़ाम, जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं आपके। वो भाई साहब फेल हो गए। अब जो बड़ा भाई था, जो इतना पढ़ने में समय व्यतीत करता था, वो फेल हो गए। मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया और रैंक भी उसका फर्स्ट था। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। अब 3 साल का फ़र्क था, अब जब वो भाई फेल हो गया तो अब 2 साल का गैप रह गया। जी में आया, भाई साहब को आड़े हाथों लूँ, आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई। आड़े हाथों लूँ मतलब उनको भी सुना दूँ खूब कि आप इतना पढ़ते थे, इतनी तपस्या करते थे पढ़ाई को लेकर, तो वो कहाँ गई। मुझे देखिए, मज़े से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। वो कहना चाहता था कि मेरे को देखो, मैं हर समय खेलता रहता था और मैं फर्स्ट भी आ गया। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। और उनका दुख देखकर, उसका भाई तो भाई है, उनका दुख देखकर उसका मन पिघल गया और उसने ऐसा भी कुछ ऐसा करने का विचार छोड़ दिया। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। अब जब आप फर्स्ट आ गए और दूसरा फेल हो गया जो इतना पढ़ता था, तो आपको थोड़ा घमंड आ जाता है ना, तो वही अभिमान और घमंड उसके अंदर भी आया। भाई साहब का वह रोब मुझ पर ना रहा, अब वो भाई जो इतना रौब दिखाता था वो रोब भी ना रहा। आज़ादी से खेलकूद में शरीक होने लगा, दिल मजबूत था। अब वो अच्छे से, वो फर्स्ट आ चुका था तो उसे अब थोड़ा डर कम हो गया कि वो खेलूँगा और फिर डांट पड़ेगी। अगर उन्होंने फिर शर्मिंदा किया तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। अगर वो डांटेंगे, उसने ये सोचा, तो मैं कह दूंगा कि आपने कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। भाई साहब ने इसे भांप लिया, उसे घमंड था कि कुछ कहेंगे तो मैं उन्हें जवाब दे दूंगा। और भाई साहब इस चीज़ को समझ गए थे कि ये मुझे कुछ कहेगा। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे को भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा, तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग। अब उसने क्या हुआ, उसके भाई ने कहा कि जब वो गुल्ली डंडा खेलकर समय व्यतीत करके आया तो भाई ने उसे डांटा और कहा कि देखता हूँ कि अगली बार तुम लौट कर आया, तो उन्होंने कहा कि इस साल पास हो गए हो और दर्जे में अव्वल भी आ गए हो, तुम्हें दिमाग हो गया है, मगर भाई जान घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। ठीक है, उसने कहा भाई घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहता, तो तुम क्या चीज़ हो। आज के लिए हम इतना ही करते हैं।
आगे हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पीरियड में, ठीक है। आप इतने ही चैप्टर को दोबारा से घर में अपना पढ़ें, पेज 23 का आधा हुआ है हमारा, आगे से इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।